दोस्तों आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। सब्सक्राइब कीजिए स्वास्थ्य ज्ञान एंड हेल्थ जीवन को, बेल का नोटिफिकेशन दबाना ना भूलिएगा दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, इस चैनल पर फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम ऐसी चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो हमारे घर में और आम घर में देखने लायक हो रही है। हम बात कर रहे हैं शुगर की। शुगर यानी डायबिटीज़ क्यों हो रही है? बदलती जीवन शैली, तनाव, खाने पीने की गलत आदत, मधुमेह यानी शुगर की बीमारी तेज़ी से बढ़ रही है। डायबिटीज़ कंट्रोल करने के लिए कुछ लोग अंग्रेजी दवा, देसी आयुर्वेदिक उपचार का सहारा लेते हैं, पर उनके मन में अक्सर एक सवाल होता है, क्या शुगर का जड़ से इलाज हो सकता है? एलोपैथिक ट्रीटमेंट हाई शुगर कम करने और कोलेस्ट्रॉल को कम करने पर कारगर है, पर शुगर को जड़ से ख़त्म करने का अभी तक कोई मेडिसिन नहीं है। अगर घरेलू नुस्खे, उपाय और आयुर्वेदिक दवा को सही तरीके से अपनाया जाए तो मधुमेह से छुटकारा पाने में काफ़ी मदद मिलती है। आज हम इसके बारे में बात करेंगे और इसके रामबाण इलाज के बारे में बात करेंगे। वैसे शुगर लेवल होना कितना चाहिए? शुगर लेवल सुबह खाली पेट टेस्ट करने पर ब्लड शुगर 70 से 110 के बीच में होना चाहिए। शुगर लेवल 110 से 125 के बीच में है तो शुगर की शुरुआत हो सकती है। ऐसे में तुरंत डॉक्टर से मिलना बहुत ज़रूरी होता है। अगर 125 ज़्यादा है तो शुगर कंट्रोल करने के लिए दवा का सेवन करें। जब 200 मिलीग्राम ज़्यादा हो तो पेशाब में शुगर आने लगती है। खाना खाने के 2 घंटे बाद ब्लड शुगर 110 से लेकर 140 सामान्य है, पर जब स्तर 140 से 70 हो जाता है तो घबराएं नहीं, आसानी से कंट्रोल हो सकता है। जब शुगर 200 और 300 से अधिक हो तो इलाज में लापरवाही नहीं करें। ब्लड शुगर 400 मिलीग्राम से ज़्यादा हो तो रोग गंभीर हो सकते हैं। समय पर अगर मधुमेह का इलाज न किया जाए तो ये रोग कई रोगों का कारण भी बन सकता है। 3 से 4 हरे प्याज जड़ समेत लें, अच्छे धो लें और 2 लीटर पानी भिगोकर रात भर रख दें। सुबह इसका ये सेवन करें। यह पानी एक बार सारा मत पिए। दिन भर में जब भी प्यास लगे तो थोड़ा थोड़ा करके सेवन करें दोस्तों। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं? इसके अलावा शरीर में शुगर लेवल कम करने में कड़वी चीज़ों का बहुत असर होता है, इसलिए आंवला, करेला, नीम, मेथी दाना और एलोवेरा शुगर कम करने के उपाय में अचूक होती है। करेले में विटामिन ए, B1, B2, C होते हैं। इसमें मौजूदा पोषक तत्व ब्लड शुगर और पेशाब में शुगर की समस्या को तेजी से कम करते हैं, इसलिए हर रोज़ कम से कम एक बार करेले का जूस जरूर पीना चाहिए। आम के ताज़ा पत्ते सुखाकर पीस लें, इसको पाउडर बना लें और अपना घरेलू उपाय तैयार करें। मधुमेह का जड़ से इलाज करने के लिए सुबह खाली पेट इस पाउडर का 1 चम्मच पानी के साथ लें। दोस्तों ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है, इस कारण शुगर होता है। दोस्तों आम के पत्तियों का पाउडर का सेवन ना किया जाए तो रात को 1 गिलास पानी में आम के ताजे पत्ते भिगो कर रख दें, सुबह तो उबाल कर छान लें और खाली पेट पिए। सुबह खाली पेट मखाने के 4 दाने खाने से शुगर की बीमारी छुटकारा पाने में मदद मिलती है। सदाबहार के फूल पत्ते भी इस रोग में काफ़ी सहायता देते हैं। दोस्तों शुगर को जड़ से ख़त्म कैसे करने में योग भी मदद करता है। बाबा रामदेव के अनुसार प्रतिदिन 15 से 20 मिनट तक कपालभाति, प्राणायाम, अनुलोम विलोम, मंडूकासन करने से शुगर की जुड़ी समस्या राहत मिलती है और शुगर कंट्रोल भी रहता है। तनाव, गलत जीवन शैली, मोटापा, बिल्कुल शारीरिक श्रम ना करना, नींद पूरी ना होना, ये सब डायबिटीज़ होने के कुछ कारणों में से एक है। शुगर से बचने के लिए, इसे जड़ से ख़त्म करने के लिए अपने जीवन शैली को चेंज कर अपने दिनचर्या को बदलें और एक्सरसाइज जरूर करें। दोस्तों शुगर की दवा पतंजलि से भी ले सकते हैं। दिव्य मधु नाशिनी वटी करके दवा आती है, उसे 2-2 गोली सुबह शाम खाली पेट लें। इसके अलावा अपने डायबिटीज़ को देखते हुए सही मात्रा में आयुर्वेदिक चिकित्सालय और चेक करते रहे। दोस्तों शुगर को कम करने के बहुत सारे उपाय हैं, आपको बहुत से उपाय बताए जाएंगे, लेकिन सभी उपाय आप डॉक्टर की सलाह से लें। लेकिन एक उपाय आप घर पर कर सकते हैं, वह उपाय है आप रोज छोटी मोटी एक्सरसाइज कर सकते हैं, अपने दिनचर्या सुधार सकते हैं, फास्ट फूड खाना खा के आप नॉर्मल घर का खाना खा सकते हैं, कोशिश करें बाहर का जितना खाना खाने से अवॉइड कर सकें, और नारियल का पानी जरूर पिए, ये आपके शुगर कंट्रोल करने में सहायता देगा। दोस्तों ऐसे ही कुछ ना कुछ आपको जानकर देता रहेंगे, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।